प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा आप सभी को जय मसीह की। दैनिक के एक मिशनरी जीवन, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे मैरी फ्लॉयड कुशमैन के जीवन के बारे में। जन्म 4/7/1870, मृत्यु 1965, मूल स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, मसीह सेवा अंगोला अफ्रीका। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। मैरी फ्लॉयड कुशमैन एक अमेरिकी चिकित्सा मिशनरी थी जिन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक विदेशी मिशन क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों के बीच काम किया। एक ईसाई परिवार में जन्मी वह बड़ी होकर लोगों की सेवा करने के लिए एक सहानुभूति रखने वाली महिला बन गई। उन्होंने 1892 में बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से स्नातक किया और फॉर्मिंगटन में एक डॉक्टर के रूप में काम किया। वहां वह अपने पेशेवर कौशल के लिए प्रसिद्ध हुए। हालांकि जब अमेरिकन बोर्ड ऑफ कमिश्नर ऑफ फॉरेन मिशंस ने उन्हें दक्षिणी अफ्रीका मिशनों में एक चिकित्सा मिशनरी के रूप में जाने के लिए आमंत्रित किया तो अफ्रीका में लोगों की सेवा करने की उनकी इच्छा सच हुई। 52 वर्ष की आयु में अंगोला के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अफ्रीका की ओर निकल पड़े कुशमैन। उन्होंने चिलेसो में एक क्लिनिक की स्थापना की और बंटू आदिवासी लोगों के बीच सेवा करना शुरू किया। वहाँ के लोग उन्हें प्यार से डॉक्टर मैरी कहकर बुलाते थे। आसपास के खतरों के बावजूद उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए दूर दराज के स्थानों की गहन यात्रा की। उन्हें कर्मचारियों में मुख्य रूप से स्थानीय लोग शामिल थे जिन्हें उन्होंने खुद प्रशिक्षित किया था। उन्होंने स्थानीय संस्कृति को अपनाया जिससे उन्हें लोगों से जुड़ने और मसीह के लिए उनकी आत्मा जीतने में मदद मिली। उन्होंने अपने रोगियों के साथ अपनी गवाही साझा की और विश्वासियों को मसीह में बढ़ने में प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय चर्च के साथ भी काम किया। एक चिकित्सा मिशनरी के रूप में कुशमैन अन्य संस्कृतियों से भी प्रभावित चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करने में विश्वास करती थी, इसलिए खुले दिमाग से उन्होंने उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखा और अपने उपचार के तरीकों में अपनाया। उन्होंने वहाँ के लोगों को, अपने बच्चों को और अधिक उन्नत शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे स्वयं एक दिन अस्पताल चला सके। अपने बुढ़ापे में जब वह चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने पूरे अमेरिका की यात्रा करके अंगोला में काम जारी रखने के लिए धन जुटाया। ईमानदारी से प्रभु की सेवा करने के बाद कुशमैन अतः 1965 में 95 वर्ष की उम्र में उनके साथ रहने चले गए। प्रिय, क्या आप प्रभु की सेवा करते हुए बाइबल के सिद्धांतों से समझौते किए बिना दूसरों की योजनाओं और विचारों के प्रति ग्रहणशील हैं? हे प्रभु, मेरी खुदगर्जी को क्षमा कर दो। मैं दूसरों द्वारा निर्देशित होने के लिए तैयार हूँ। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।